दोस्तों हाँ, माना कि प्रकृति ने हम इंसानों और जानवरों को अलग अलग बनाया है। हमारे रहने का ढंग अलग है, हमारी जिंदगी अलग है, हम अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन जब कोई तकलीफ आती है तो जिस तरह हमें दुख का एहसास होता है, ठीक उसी तरह जानवरों को भी होता है। चाहे जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जब कोई मुश्किल आती है तो वो हम इंसानों से भी मदद मांगने में रत्ती भर भी शर्माते नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में सबसे पहले इंसानों को ही याद किया। दोस्तों, हम इंसान ही अकेले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की फिक्र नहीं करते, जानवर इस काम में हमसे दो हाथ आगे हैं। तभी तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रीट डॉग्स दौड़ते भागते इन लड़कों के पास आते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो इन लड़कों को कुछ समझ में आता ही नहीं है कि आखिर ये डॉग्स इनके पास क्यों आए हैं और इनसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब ये डॉग्स का पीछा करते हैं तो समझ में आता है कि ये बेचारे डॉग्स अपने साथी को पानी में डूबने से बचाने के लिए इन्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद ये लोग पानी में डूब रहे डॉग्स को रेस्क्यू करके सही सलामत बाहर निकालते हैं। खैर, वो डॉग तो किस्मत वाला था कि उसके दोस्तों ने उसकी मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन बेचारा ये डॉग इतना लाचार हो गया था कि इसे खुद चलकर जानवरों के डॉक्टर के क्लिनिक जाना पड़ा। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये डॉग बीमार हालत में इस क्लिनिक में आया और बाद में पता चला कि इसके पेट में ट्यूमर है, इसलिए तुरंत डॉक्टर ने इसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये एक्सीडेंट अफ्रीका का है जहां जमीन पर पड़े हुए इस जिराफ का एक पैर बाउंड्री पर लगे तारों में फंस गया, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और खुद को छुड़ाने की इस जद्दोजहद में इस जिराफ को काफी चोट भी लग गई थी, जिस वजह से ये जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। तभी जंगल की देखभाल करने वाले रेंजर्स ने इसे दर्द से तड़पते देखा और फिर उन्होंने जिराफ के पैरों में अटके तार को काटकर उसे सही सलामत रेस्क्यू किया। जानवर चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, भूख और प्यास उन्हें भी लगती है। तभी तो भारत का ये फॉरेस्ट ऑफिसर इस किंग कोबरा को पानी पिला रहा है और हैरान करने वाली चीज तो ये है कि ये सांप बड़े मजे से पानी पी भी रहा है। अब ये इंसिडेंट भी भारत का ही है जहां ये बंदर प्यास से इतना ज्यादा तड़प रहा है कि डायरेक्ट बोतल से पानी पीने लगा। दोस्तों, वैसे यहां पर ये बेचारा जंगल में लगी आग से बचकर निकला था और ये इतना ज्यादा डर गया है कि इसे इस समय प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तभी तो ये कंगारू इस महिला को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह गले लगाने लगा। और दोस्तों, आग की गर्मी को झेलने के बाद इस जानवर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जिसे जब जंगल से बाहर के इलाके में लाया गया तो ये प्यास से ऐसे तड़प रहा था कि इसे पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ एक तरफ कुछ लोग बिना किसी के फिक्र के कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तभी तो जैसे ही बीच पर मौज मस्ती करने आए इन लड़कों ने कछुए की नाक में घुसे प्लास्टिक के चम्मच को देखा तो इन लोगों ने उसे तुरंत निकाल कर कछुए को इस दर्द से आजाद कर दिया। अमेरिका में आई तेज बारिश के कारण पानी इन डॉग्स के शेल्टर में भी भर गया था, जिसकी वजह से ये काफी देर से चिल्लाकर मदद मांग रहे थे। तभी रेस्क्यू टीम को इनके बारे में पता चला और वो तुरंत इन्हें बचाने पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू होने के बाद इन डॉग्स के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा है। भेड़िए का कोई भरोसा नहीं, कब खूंखार बनकर हमला कर दे किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी रशिया के इस शख्स ने भूख से खाना मांग रहे इस भेड़िए की मदद की, बिना ये सोचे समझे कि खाना खिलाने के बाद भेड़िया उसके साथ क्या करेगा। दोस्तों, वैसे खतरों से खेलकर इस महिला ने भी कौवे की चोंच के पास धसे पोर्क्यूपाइन के कांटे को निकालने का काम किया है। जहां बार बार ये कौवा महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी इस महिला ने कौवे के मुंह से ये कांटा निकाल ही लिया। दोस्तों, इस बंदे का कारनामा भी कुछ कम कमाल का नहीं है, जहां इसने तेज लहरों के बीच फंसे इस डॉग को बिल्कुल सही सलामत रेस्क्यू किया। आप खुद ही सोचिए, अगर हल्की सी भी चूक हो जाती तो डॉग के साथ साथ इसकी जान पे भी खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी इसने ये कारनामा करके दिखाया। अब आप इस छोटे से हाथी के बच्चे को देखिए, जो बहुत बुरी तरीके से गड्ढे में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। यहाँ के लोकल लोग शुरुआत में तो इसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं निकाल पाते तो रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और फिर जाकर ये हाथी का बच्चा सही सलामत निकलकर अपनी माँ के पास आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दो कयोटास हिरण पर हमला कर रहे थे और जैसे ही इस चीज को वीडियो बना रहे शख्स ने देखा, उसने बिना अपने बारे में सोचे तुरंत इन्हें भगाकर हिरण की जान बचा ली, वरना तो ये लोग इस बेचारे हिरण को मार ही डालते। जब ये डाइवर समुद्र में अपनी खोजबीन कर रहे थे, तभी एक डॉल्फिन इनके पास आती है और इनके आजू बाजू मंडराने लगती है। शुरुआत में तो ये घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इन्हें समझ में आता है कि ये डॉल्फिन तो इनसे मदद मांग रही है, क्योंकि एक फिशिंग लाइन इसकी बॉडी में फंस गया है। तब जाकर ये लोग इसकी मदद करते हैं।
दोस्तों अब आप भालू के बारे में तो जानते ही हैं कि जब इन्हें भूख लगती है तो ये सबसे पहले लोगों की गाड़ियों के दरवाजे खटखटाते हैं। और यहाँ भी ये भालू कुछ ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले इस बड़ी सी गाड़ी के ऊपर चढ़कर खाने के लिए मांगने की कोशिश करता था, और फिर जैसे ही इसे कार दिखाई दी ये कार के पास आ गया और तब जाकर इन लोगों ने इसे कुछ खाने को दिया। दोस्तों अब अधमरी हालत में इस स्लॉथ को देखिए जो दर्द से तड़प रहा था। तभी रास्ते से जाते कुछ लोगों ने एक बड़े से डंडे के सहारे इसे उठाया और साइड कर दिया, क्योंकि अगर ये बीच सड़क पर इसी तरह पड़ा रहता तो कोई भी गाड़ी वाला आकर इसे मौत के घाट उतार कर चला जाता। यहाँ पर रेनबो बी ईटर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की तपा देने वाली गर्मी से परेशान होकर बिना शर्माए कार की एसी वाली हवा खाने उसके अंदर बैठ गई और वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक जब इन लोगों ने इसे ठंडी हवा खाने का मौका दिया, उसके बाद एक पेड़ के ऊपर ले जाकर बैठा दिया ताकि इसे ठंडक महसूस होती रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस जेसीबी की मदद से क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गीली मिट्टी में बहुत बुरी तरीके से फंसे इस हिरण को बचाने की तैयारी हो रही है, और इन लोगों ने सफलतापूर्वक इसे बाहर निकाल भी लिया, वरना अगर थोड़ी देर और हो जाती तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। दोस्तों इस जिराफ के पैरों में काफी दिनों से ये लोहा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ये बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। शुरुआत में तो लोगों ने अपने हाथ से इसे निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा इसे निकाला जाता उतना ही गहरा घाव जिराफ के पैरों में होने लगा था। इसलिए कई लोगों की टीम ने मिलकर इस लोहे को काटा और तब जाकर इस जिराफ को फ्री किया गया। व्हेल जैसी विशालकाय मछली को देखकर ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन इन लोगों ने फिशिंग नेट में फंसी इस व्हेल को निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और सफलतापूर्वक इसे बाहर निकाल लिया। दोस्तों कछुए की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। अगर कुछ भी इनके ऊपर वाले शेल में अटक जाता है तो उसकी वजह से ना सिर्फ इन्हें दिक्कत होती है बल्कि वो उस चीज को खुद से हटा भी नहीं सकते, और तब जाकर उन्हें इंसानों की मदद मांगनी पड़ती है। दोस्तों ये विशालकाय शार्क लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी, इसलिए नहीं कि ये उन्हें अपना भोजन बना सके, बल्कि इसलिए ताकि ये उनसे मदद मांग सके। आप देख सकते हैं कि कैसे इसके शरीर पर ये कांटेदार चीज अटकी हुई है, इसलिए लोगों ने कांटा निकाल कर इस शार्क को आजाद कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।